हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है कूलम्स लॉ। चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, बट कितने फोर्स से रिपेल करते हैं कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो ये फॉर्मूला किसने दिया? कूलम्स लॉ ने। तो उसने बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फॉर लाइक चार्ज इट इज रिपल्शन, फॉर अनलाइक चार्ज इट इज अट्रैक्शन। उसका मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ उसकी क्वांटिटी कितना फोर्स होगा। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, अब पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, रेस्ट तो पता ही है कि चार्ज की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज। नाउ अब बात है इसकी पॉइंट चार्जेस की। पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि जिन दो बॉडीज के ऊपर चार्ज होगा उसका साइज बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस। मतलब अगर पूरे सिस्टम को देखेंगे तो वो हमें दो क्या लगेंगे कि वो दो पॉइंट पड़े हुए हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। हमने सपोज किया दो चार्जेस क्यू1 और क्यू2, उनके बीच में डिस्टेंस क्या लिया r। तो उसने क्या बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 इनटू q2 दोनों का मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना उनके बीच में r, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो क्या बनेगा कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिद्धांत की कांस्टेंट आता है तो हमने कांस्टेंट क्या लिख दिया k। तो फार्मूला क्या बना, f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। k क्या हो गया, k हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या वी कैन से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हर एक कॉन्स्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो इसकी जो वैल्यू ऑफ के है वो डिपेंड्स अपॉन कि उन चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है, कि वहां पे एयर है दोनों चार्जेस को एयर में रखा है, दोनों चार्जेस को वाटर में रखा है या किसी और मीडियम में रखा है, और के की यूनिट के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। मतलब कौन सी सिस्टम ले रहे हैं, सीजीएस ले रहे हैं एसआई ले रहे हैं। अगर चार्जेस को किसमें रखो, वैक्यूम में, तो इस के की यानी इस कॉन्स्टेंट के की वैल्यू क्या बनती है, 1/4πε0 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये नया वर्ड आया, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर में परमिटिविटी क्या होती है। और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अब क्वेश्चन आया ये यूनिट कहां से रही, तो इस यूनिट के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। एफ का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, वही लिखा है यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या बनेगी, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्यू वन इंटू क्यू टू। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, तो आर का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, कूलम इनटू कूलम इट विल बिकम कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम ऊपर जाएगा तो पावर कूलम -2। तो वही लिखा है यहाँ पे 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। बट ये जो के है ये वैल्यू के की सिर्फ किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, फोर जब बीच में वैक्यूम मतलब स्पेस हो। इस के को हम हर मीडियम के लिए यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ तभी है जब क्या हो वहां पे, वैक्यूम। अब एप्सिलॉन नॉट इसको एक्सप्लेन किया हमने, क्या है ये, इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट बिकम इक्वल टू 1/4πk, 1/4πk की वैल्यू 9×10⁹ पुट कर दी, जब सॉल्व किया आंसर आया 8.85×10⁻¹2। इसको सॉल्व किया है और इसकी यूनिट, तो 4πk इज यूनिटलेस, तो 1/k की यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, तो इसकी इनवर्स हो जाएगी क्योंकि किसमें है, डिवाइड में, तो न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। तो यही लिखा है यहाँ पे, न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। तो अगर मुझे वैक्यूम में फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना हो, एफ नोट, नोट फोर इट डिनोट्स द मीडियम क्या है बीच में वैक्यूम, तो के एफ का फॉर्मूला क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो अगर मुझे वैक्यूम में लिखना हो तो के की वैल्यू क्या लिखूंगा, 1/4πε0, तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ नोट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। अब वैक्यूम की जगह उनके बीच में कोई मीडियम डाल दिया, उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, मतलब दोनों चार्जेस को हम एयर में रख सकते हैं, वाटर में रख सकते हैं या कोई और मीडियम में रख सकते हैं, तो k क्या बनेगा, k will become equal to 1/4πε। अब परमिटिविटी किसकी आएगी, मीडियम की, तो k बन गया 1/4πε m। और फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, fm मतलब फोर्स इन मीडियम, मतलब जो दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखा, तो फॉर्मूला बन गया 1/4πε m q1 q2 by r square। अब हर मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, डिफरेंट, इसका मतलब हर मीडियम में फोर्स भी क्या होगा, डिफरेंट। मतलब दो चार्जेस को एयर में रखो तो अलग फोर्स होगा, वाटर में रखो तो अलग फोर्स होगा, किसी तीसरे मीडियम में रखा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी,
डिफरेंट। इसका मतलब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये दोनों के मीडियम के बीच, मीडियम दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं परमिटिविटी की। अभी हमने फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या पढ़ा, 1/4πε₀Q1Q2r2। अब मीडियम की परमिटिविटी चेंज होगी तो उसका क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा उस मीडियम में चेंज। इट मींस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि जो चार्ज के बीच में मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी, विच डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, जो डिसाइड करेगी कि दो चार्ज के बीच में फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका सिंबल क्या है, के और एप्सिलॉन आर। फॉर्मूला क्या है इसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और लिखेंगे कैसे, के और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। एग्जांपल लेते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परमिटिविटी किसकी आ जाएगी, वाटर की अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब बात करें इसकी यूनिट की, तो न्यूमरेटर में भी क्या है परमिटिविटी, डिनोमिनेटर में भी क्या है परमिटिविटी, मतलब दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम, कैंसिल आउट हो जाएगी। इट मींस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस एंड अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब बात इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि जो के है उसकी वैल्यू या तो 1 से ज्यादा होगी या 1 के बराबर होगी, बट इसकी वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी। अब पढ़ते हैं क्या, कि दो चार्ज के बीच में अगर मीडियम चेंज करें तो फोर्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है। हमने कंसीडर किए दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस क्या उनके r। अगर इनके बीच में वैक्यूम है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ नोट, नोट फॉर वैक्यूम, 1/4πε₀Q1Q2r2, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब हमने किया वैक्यूम की जगह इसमें मीडियम डाल दिया, उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आया, के, और परमिटिविटी कितनी है उसकी, एप्सिलॉन एम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इन मीडियम 1/4πε₀Q1Q2r2। अब ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हमने क्या किया, इसको लिखा फर्स्ट, इसको लिखा सेकंड, डिवाइड कर दिया, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, एफ नोड बाय एफ एम, एफ नोड की वैल्यू पुट की 1/4πε₀Q1Q2r2, एफ एम की वैल्यू पुट की 1/4πε₀Q1Q2r2, Q1Q2r2 कैंसिल, 4π कैंसिल, बचा क्या, इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम ऊपर, एप्सिलॉन नोड नीचे, इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोड। और इसकी वैल्यू क्या पड़ी, हमने देखो एप्सिलॉन बाय एम बाय एप्सिलॉन नोड इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको लिखते को लिख दिया डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहां से अगर हम निकालें फोर्स इन मीडियम, क्यों क्या बनेगा, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय के, के इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब कि जब वैक्यूम की जगह कोई भी मीडियम डाल दो जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो फोर्स कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1/k टाइम्स जो फोर्स वैक्यूम में था वो हो जाएगी। अब यहां से k का एक फॉर्मूला बना, क्या, k इज इक्वल टू f नोट बाय fm। तो आई कैन आल्सो से इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। इसका मतलब अगर मैं फोर्स निकालूं वाटर में तो वैक्यूम के 1/80 टाइम्स होगा। एग्जांपल क्या, कि सपोज किया कि वैक्यूम में एक फोर्स दो चार्ज के बीच में था 80 न्यूटन। अब मैंने बीच में क्या डाल दिया, वाटर, द फोर्स इन वाटर क्या हो जाएगा, एफ नोट बाय उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एफ नोट कितना लिया है 80, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कितना था 80, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 न्यूटन। मतलब फोर्स कितने टाइम्स, 80 टाइम्स डिक्रीज हुआ। जहां वैक्यूम में फोर्स था 80 न्यूटन, वहां वाटर में फोर्स कितना आएगा 1 न्यूटन। इसको हमने केमिस्ट्री में रिएक्शन करते बड़ी बार ऑब्जर्व किया, क्या, कि जैसे हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं NaCl, इसमें होता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका मतलब दो चार्जेस ही हैं, मतलब इनके बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऑब्जर्व क्या करते हैं, जैसे ही इनको उसमें वाटर में डालते हैं तो ये Na और Cl आयन क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। इसका रीजन यही है, क्यों, क्योंकि उस फोर्स की वैल्यू कितने टाइम्स कम होगी, 80 टाइम्स कम होगी। यही रीजन है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डालते क्या होते हैं, डिसोसिएट। अब हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्ब लॉ के स्टेटमेंट में था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। आर क्या है, क्यू1 क्यू2 के बीच का डिस्टेंस, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज मतलब जिसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर।
जैसे एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, फोर्स जीरो कब होगा, एफ विल बिकम जीरो व्हेन आर इज इक्वल टू इनफिनिटी, सो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. थर्ड इट इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स प्लस वन में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, और होता क्या है, विच एक्ट अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ चार्जेस. एग्जाम्पल समझते हैं, इजी हो जाएगा. सपोज किया दो चार्ज पड़े हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट साइन के, मतलब क्या करेंगे, अट्रैक्ट, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो डायरेक्शन दिखाई है, इट इज डायरेक्शन ऑफ, मतलब ये क्या है, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगा. तो डायरेक्शन कैसे ली, ये दोनों, ये जो लाइन है, ये इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, तो इसी लाइन के अलोंग, तो ये लिखा है एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ चार्जेस. अब ये कौन सा फोर्स है, इट इज फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू माइनस क्यू, मतलब जो इसके ऊपर फोर्स होगा, इसने इसकी डायरेक्शन में क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. अब अगर दूसरा एग्जांपल ले कि दो चार्जेस ले ले सेम साइन के, प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू, ये दोनों क्या करेंगे, सेम साइन क्या करेंगे, रिपेल. तो जो ये डायरेक्शन है, इट इज ऑल्सो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. तो ये किस पे फोर्स है, इट इज फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन, उसी लाइन के अलोंग है. और ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू, दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल. और डायरेक्शन किधर है, फोर्स की, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. नाउ फोर इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में पड़ा हुआ है, कौन सा होता है कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके वर्क डन बाय और अगेंस्ट दिस फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसके जो पास फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता. इसकी डिस्कशन चैप्टर नंबर सेकंड में करेंगे अच्छी तरह. नाउ फिफ्थ, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द चार्जेस. अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज कर दो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज. सिक्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज. जैसे इन दोनों के बीच का फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे जितने मर्जी चार्ज पड़े हों, Q1, Q3, Q4, Q5, तो उस दोनों के बीच की फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ये लिखा है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो किसी चार्ज के प्रेजेंस से या एब्सेंस से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेवंथ, इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसका मतलब जितना Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट. अगले लेक्चर में इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ मोशन कैसे ओबे कर रहा है.